वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम MDM हायर एजुकेशन कॉलेज. आई एम राजदीप सर, योर फिजिक्स लेक्चरर, एंड वी वर ऑन फर्स्ट यूनिट ऑफ पेपर फर्स्ट ऑफ BSc फर्स्ट ईयर. यानी कि हम BSc फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट पे थे और ये हमारी सेकंड वीडियो है. इससे पहले हम लोगों ने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और जनरल ट्रांसफॉर्मेशन देखे थे. अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसके आगे टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही ईजी है और इसमें जो है अपने पास फर्स्ट टॉपिक है गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन, जो आपने 9th-10th क्लास में पढ़ रखे हैं वही चीज़ है बस सेम. एक बार दोबारा से फटाफट को रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या चीज़ थी. तो फर्स्ट लॉ था यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़त्व का नियम. ये हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको नाम देते थे, जड़त्व का नियम. बेसिकली क्या कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो रिमेन मोशन में रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो स्टे पोजिशन में रहेगा, अनटिल इट इज़ कंपेल्ड बाय अ फोर्स, जब तक इस पर कोई बाहर से फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स क्या अप्लाई ना करें. तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है. इसके बाद आते हैं सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ में क्या है बताया गया है कि जो फोर्स है ना वो किसके प्रोपोर्शन होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है, एफ के, बल के. तो पी यहाँ पे संवेग है. संवेग को आपको पता ही है किसके डिनोट करते हैं, एम इंटू वी से करते हैं. तो पी जो होता है वो इक्वल होता है एम वी के. ओके, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअल में संवेग होता क्या है या मोमेंटम क्या होता है. मोमेंटम एक क्वांटिटी होती है जो उसकी वेलोसिटी में क्या होती है, इनबिल्ट होती है. जैसे कि अपने पास मान लो एक हैवी, मतलब कि कोई पर्सन है, कोई भारी आदमी है, ठीक है ना, वो धीरे से किसी लाइट वेट पर्सन से टकराता है, ठीक है ना, हल्के आदमी से टकरा जाता है. तो वो हल्का आदमी क्या होगा, गिर जाएगा, ठीक है ना. मोटा आदमी धीरे धीरे चला, धीरे धीरे टकरा गया उससे, फिर भी वो पतला आदमी गिर गया. लेकिन अगर पतला आदमी किसी मोटे आदमी से धीरे धीरे टकराएगा तो मोटा आदमी नहीं गिरेगा. तो इसका रीज़न यही होता है कि जो मोटा आदमी था उसका एम ज़्यादा है, यानी कि उसका संवेग क्या हो गया, मोमेंटम क्या हो गया, ज़्यादा हो गया. पतला आदमी है उसका एम कम होएगा, इसलिए उसका संवेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ये जो संवेग है, मोमेंटम है, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एम पर भी, वी पे भी. हाँ, अगर पतला आदमी है वो बहुत स्पीड से टक्कर मारता है मोटे आदमी को तो मोटा आदमी गिर जाएगा. क्यों, क्योंकि भले ही उसका एम कम है, वी तो बढ़ गया, तो ये एम और वी का जो प्रोडक्ट होता है ना, ये समझ लो कि एक स्ट्रेंथ दिखाता है वेलोसिटी की, यानी कि वेग में कितनी पावर है, कितनी शक्ति है. इसको हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं. तो इसमें अगर रेट ऑफ चेंज हो रहा है तो इसको कहते हैं फोर्स. आपको पता है जब भी प्रोपोर्शन का साइन हटता है कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, बट जब इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया तो एक्सपेरिमेंटली जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू क्या पाएगी, 1 पाएगी. तो हमारे पास रिलेशन आ गया फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन. अब ये कैसे बना है आपको बता देता हूँ कि अगर हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करें dp ओवर dt, तो देखो m तो यहाँ पे कांस्टेंट है और v का डेरिवेटिव हो जाएगा dv ओवर dt. और dv ओवर dt क्या होता है, a होता है, एक्सीलरेशन होता है. तो ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन. बल का सूत्र हो गया द्रव्यमान गुना त्वरण. इसके बाद अगर यहाँ पे F की वैल्यू अपने जीरो मान लें, यानी कि हम ये सोचें कि F क्या है, जीरो है, तो आपको पता ही है कि ये जो है ये पूरी टर्म अगर मैं जीरो के इक्वल सपोज करता हूँ तो M क्या हो जाएगा, M तो इसके पास कैंसिल हो जाएगा डिवाइड में जाके, तो dv ओवर dt किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के. अगर dv ओवर dt जीरो है तो अगर कोई डेरिवेटिव जीरो के इक्वल है, इट मीन्स हम ये कहते हैं कि वो क्वांटिटी क्या है, कॉन्स्टेंट है. तो यहाँ पर वी क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या होगा, एक नियत वेग से चलेगा. अब इससे क्या पता चलता है आपको, इससे ये पता चलता है कि ये फर्स्ट लॉ है या गति का प्रथम नियम है. तो लॉ ऑफ मोशन में पहला नियम आ गया ना, क्यों, क्योंकि वी कांस्टेंट रहता है, यानी कि कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहेगी, जो चीज़ वी वेलोसिटी से चल रही है तो वो चलती रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा जब तक हम बाहर से कोई फोर्स ना लगाएं. अब फोर्स तो लग नहीं रहा, फोर्स हमने क्या माना है, जीरो माना है, तो इट मीन्स वी क्या रहेगा, इसका कांस्टेंट रहेगा, यानी कि इसमें इनर्शिया आ गया. ये मोशन में है तो मोशन में रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन हो तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, और स्टेशनरी पोजीशन में तो स्टेशनरी पोजीशन में रहेगा. इसके बाद आगे देखते हैं थर्ड लॉ. थर्ड लॉ बड़ा सिंपल है, एक्शन रिएक्शन लॉ है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है. अगर मान लो किसी हम ऑब्जेक्ट को
सिंपल लैंग्वेज में देखें कि अगर मैं किसी जैसे दीवार है इसको मैं पुश करता हूँ तो दीवार उतनी स्ट्रेंथ से या उतनी ही फोर्स से मुझे भी क्या करेगी, रिवर्स पुश करेगी, मुझे रिवर्स फोर्स देगी। तो F12 इक्वल होता है माइनस F21 के। अब यहाँ 12 का मतलब समझ लो कि 1 का मतलब यहाँ पे ये जो पहला 1 है ना ये डिनोट करेगा कि किस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। और दूसरा है ये तो हो गया एट और ये हो गया ड्यू टू कि किसके कारण लग रहा है, यानी कि अगर 1 के ऊपर 2 के कारण फोर्स लग रहा है तो इसको डिनोट करेंगे F12 से। हाँ अगर 2 पर 1 के कारण फोर्स लगता है तो इसको डिनोट करेंगे F21 से। तो F12 इक्वल होता है इन वेक्टर फॉर्म में माइनस F21 के। ओके डायरेक्शन बदल जाती है फोर्स की। अगर मैं इस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ वॉल को दीवार को तो दीवार अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में मेरे को फोर्स देगी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी एक चीज़ में ये है कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया था, गैलीलियन रूपांतरण किया था, उसमें ये देखा गया कि जो अपने ने जो लॉ ऑफ मोशन किए ना ये सेम रहते हैं, ये इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मान लो कोई फ्रेम है एस और अनदर फ्रेम है एस डैश, तो लॉ ऑफ मोशन जो इसमें अप्लाई होते हैं वही मोशन इस लॉ इसमें अप्लाई होंगे, कोई इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। आपको पता है ऐसा क्यों होएगा, क्योंकि आपने ये प्रूफ किया था कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में एसिलेशन क्या था, सेम था, यानी कि ए ए डैश के इक्वल था। तो यहाँ पे देखो ए किसके इक्वल है, ए डैश के इक्वल है। और आपको पता है मास क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ से 5 kg का कोई आइटम देख रहा हूँ और साथ वाले फ्रेम में कोई सेकंड पर्सन है, कोई दूसरा बंदा खड़ा है, वो भी उस ऑब्जेक्ट को अगर ऑब्जर्व करेगा तो उसका मास 5 kg ही पाया जाएगा, उसका मास नहीं बदलने वाला। तो मास सेम है, एसिलेशन सेम है, यानी कि त्वरण सेम है, इसका फोर्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। दोनों फोर्स क्या होंगे, सेम होंगे, यानी जो फोर्स यहाँ से मैं उस पर फील करा रहा हूँ वही फोर्स सेकंड पर्सन को या सेकंड फ्रेम को वही फोर्स यहाँ पे फील होएगा। इसके बाद ये है कि जो फिजिक्स के जितने भी लॉ एंड थ्योरी है ना वो सारे के सारे क्या रहते हैं, सेम रहते हैं दोनों फ्रेम में एस और एस डैश में। अब आगे देखते हैं कि अगर यहाँ पे फिजिक्स के लॉ सेम है, थ्योरी सेम है, तो इसको एक नेम दिया गया, वो दिया गया न्यूटन आपेक्षिकता का सिद्धांत, यानी कि न्यूटन रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ न्यूटोनियन रिलेटिविटी, यानी कि ये थ्योरी ऑफ न्यूटन रिलेटिविटी में ये बताया गया कि जितने भी फिजिक्स के लॉ हैं और थ्योरीज हैं अलग अलग फ्रेम में वो सेम रहते हैं, यानी कि भौतिकी के जितने भी नियम और सिद्धांत हैं वो नहीं बदलते, चाहे एस फ्रेम से कैलकुलेट कर लो चाहे एस डैश फ्रेम से उसको कैलकुलेट कर लो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि जो आइंस्टीन है ना उसने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। उसने ये बताया कि E इक्वल होता है mc स्क्वायर के, यानी कि जो मास है ना उसने ये कह दिया कि मास यानी कि द्रव्यमान है ना वो भी ऊर्जा का एक रूप है, यानी कि इट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसने एक फॉर्मूला दे दिया E = mc². इससे पता चलता है कि m है ना वो फिक्स नहीं है, चेंजेबल है। अगर m आपका चेंज हो रहा है तो जो अपनों ने ये कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि अलग अलग फ्रेम में लॉ ऑफ फिजिक्स या थ्योरी ऑफ फिजिक्स सेम रहेगी, तो अब वो सेम नहीं रहने वाले क्योंकि आइंस्टीन ने अपनी इक्वेशन दे दी E = mc². तो इस मीन्स ये कह सकते हैं कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें तो चलो लॉ ऑफ फिजिक्स, थ्योरी ऑफ फिजिक्स या कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स जो भी हैं वो सेम रहेंगे, बट आइंस्टीन जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना उसमें ये चीज़ें सेम नहीं रहेंगी। तो इसके बाद देखते हैं 6th पार्ट। इसमें एक समान क्षेत्र में गति यानी कि मोशन इन यूनिफॉर्म फील्ड। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि एक समान गति क्या होती है। एक समान गति यानी कि यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें एसिलेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। यूनिफॉर्म फील्ड वो होता है या एक समान क्षेत्र वो होता है जिसमें एसिलेशन की वैल्यू क्या हो, त्वरण की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। यहाँ पे ए नहीं चेंज होना चाहिए, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म फील्ड या एक समान क्षेत्र। जैसे आपका यहाँ पे अर्थ लेते हैं, अर्थ में जो ग्रेविटी फोर्स है ना वो या ग्रेविटेशन जो है ना या गुरुत्वीय त्वरण जो है वो सेम ही रहता है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि अगर हम बहुत ऊंचाई पे चले जाएंगे ना तो जी की वैल्यू बदल जाएगी, क्योंकि जी किस पे डिपेंड करता है, एच पे। तो छोटी हाइट के लिए हम ये कहते हैं कि जी की वैल्यू जो होती है ना लमसम क्या होती है, 10 होती है, 10 m/s². ओके तो इसके बाद यहाँ पे
अगर हमारा ए कांस्टेंट है तो उस केस में देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या लॉ हैं मोशंस के। सबसे पहले देखते हैं कि पहले मैंने एग्जांपल इसका लिया जी का लिया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का। उसमें मोशन कैसे होता है वो देखते हैं। आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास कितनी थी, तीन थी। एक तो थी वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एक थी एच इक्वल्स टू यू प्लस यू टी प्लस हाफ जी टी स्केयर, और एक थी हमारे पास वी स्केयर इक्वल्स टू यू स्केयर प्लस टू ए एस। अब आपका जो ए है वो क्या हो गया, जी हो गया, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात चल रही है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण की बात चल रही है। तो ए की जगह क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, बाकी चीज़ें सेम ही रहेंगी। हाँ, एस की जगह आप एच ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। एच का मतलब होता है हाइट। और यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ आपको, कुछ स्टूडेंट ना कन्फ्यूज होते हैं कि जी पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, तो आपको इसमें एक तरीका बताता हूँ। आप लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा हुआ है, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव वाई होता है। अगर आपका मोशन ऊपर की तरफ है ना तो आप क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे जी। अगर आपका मोशन नीचे की तरफ है ना तो आप इसको नेगेटिव जी लोगे। बस इतना ध्यान रखना है, यहाँ पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो मोशन जो हमने पार्टिकल है वो नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे जा रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं कि एच मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम हाइट या अधिकतम ऊंचाई क्या हो सकती है, वो होती है यू स्केयर इक्वल्स टू टू जी। ये कैसे आएगा, बहुत ही सिंपल है। आपको पता है अगर कोई ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे आ गया तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी है यानी अंतिम वेग है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अपने इसको क्या करेंगे, जीरो कर देंगे, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो ग्रेविटेशन उसका नीचे की तरफ लग रहा है। ओके, ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर जा रहा है लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ, यानी वो अपोज कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसके बाद यहाँ से एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस को हम कह देंगे एच मैक्सिमम। तो एच मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी यू स्केयर ओवर टू जी। ओके, ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, इसलिए जी हो जाएगा अपना माइनस। मैंने आपको क्या था, नीचे की तरफ जो लोगे वो क्या लोगे, माइनस लोगे। ओके, अब यहाँ पे इसके बाद देखते हैं फ्लाइंग टाइम या उड्डयन काल, यानी टोटल टाइम क्या लगता है वो अपने कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए दो पार्ट करेंगे क्वेश्चन के, एक तो ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर गया और एक ऊपर से नीचे आया, दोनों का अलग अलग टाइम निकालेंगे। इनको हम कहते हैं एसेंट टाइम और डिसेंट टाइम। एसेंट टाइम होता है जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर पहुंचता है, और डिसेंट टाइम होता है जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है। तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम निकालने के लिए आपको फर्स्ट इक्वेशन लेनी है। आपको पता ही, अगर ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर पहुंचता है तो जैसे ही वो ऊपर पहुंचेगा उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, अंतिम वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी इस इक्वेशन में जीरो हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को अपोज करेगा, उसको विरोध करेगा, तो जी आप क्या लोगे, माइनस लोगे। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी यू ओवर जी। लेकिन अपने को टोटल टाइम निकालना है, तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना टाइम नीचे आने में लगा, दोनों टाइम इक्वल होंगे, तो इसका हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो टोटल टाइम या फ्लाइंग टाइम या उड्डयन काल की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू जी ओवर टू यू ओवर जी आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसमें क्या है। इसके बाद हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति तब होती है जब हम ऑब्जेक्ट को किसी एंगल के साथ हवा में फेंक देते हैं, एयर में उसको थ्रो करते हैं। तो इससे क्या होता है, ऑब्जेक्ट है ना ऐसे ग्राउंड की शेप में जाता है। मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमने थ्रो किया और थ्रो होने के बाद वो इस तरह से एक राउंडेड शेप में अपना पाथ लेता है या उस पथ पे गमन करता है। तो इस टाइप की जो मोशन की स्टडी होती है हम उसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। हम इसमें प्रक्षेप्य गति के क्या क्या, वापस से जो अपने निकाले थे टर्म्स, मैक्सिमम टाइम और उड्डयन काल, फ्लाइंग टाइम, मैक्सिमम हाइट, रेंज, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे भी निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें कुछ कॉन्सेप्ट वो देख लेते हैं क्या है, कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसको उन्होंने यू वेलोसिटी से थ्रो किया थीटा एंगल बना के, तो इस यू वेलोसिटी के हम दो पार्ट में कंपोज कर सकते हैं, डीकम्पोज कर सकते हैं, वियोजित कर सकते हैं। एक तो होता है
यू कॉस थीटा और एक होता है यू साइन थीटा। यानी हमारे पास दो तरह के मोशन है, एक तो यू कॉस थीटा है, यू साइन थीटा है। यहाँ देखो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसको उन्होंने हॉरिजेंटली थ्रो कर दिया, यानी कि क्षैतिज की दिशा में उसको क्या कर दिया, फेंक दिया। किस वेलोसिटी से फेंक दिया, वी वन वेलोसिटी से फेंक दिया। या फिर हमने ये मान के चले कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, यहाँ आने के बाद इसका टेंजेंशियली या स्पर्श रेखा दिशा क्या होगी, इस तरफ होगी। मान लेते हैं वेग इसका या वेलोसिटी इसकी वी है, तो वी वेलोसिटी में यहाँ देखो थोड़ी देर बाद वो पार्टिकल यहाँ आ जाएगा नीचे, थोड़ी देर बाद यहाँ आएगा। तो अब उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं वी टू है, तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रही है। ओके, आपको या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन या गुरुत्वीय त्वरण किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पे इस पी पॉइंट पे अगर इस वी टू के दो पार्ट करें तो एक पार्ट तो हो जाएगा वी वन। यहाँ पे मैंने वी वन क्यों लिखा है, वी वन इसलिए लिखा है क्योंकि जो पार्टिकल होता है या ऑब्जेक्ट होता है उसमें जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है या गुरुत्वीय त्वरण है वो ऊपर नीचे की तरफ लगता है, वो ऊपर से नीचे की तरफ लगता है। अगर उसका मोशन हॉरिजॉन्टली है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहाँ इफेक्ट करता है, जब मोशन क्या होता है, वर्टिकल होता है। तो यहाँ देखो इसकी वेलोसिटी क्या है, v1 है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, v2 है। तो वेलोसिटी में डिफरेंस क्या आ गया, वेलोसिटी में डिफरेंस आ गया v2 माइनस v1। ये डिफरेंस कहाँ देख रहे हो आप, वर्टिकली देख रहे हो। तो जो ग्रेविटेशन है ना, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, वो सिर्फ वर्टिकल को ही इफेक्ट करता है, ऊर्ध्वाधर को ही प्रभावित करता है। यानी कि जो मोशन है ना ग्रेविटेशन, उसमें जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का इफेक्ट पड़ेगा या गुरुत्वीय त्वरण का जो प्रभाव पड़ेगा वो सिर्फ वर्टिकल ही पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसके बाद इसको और डिटेल में बताया तो आपको कि मान लो हमने कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी वी है, इसका यहाँ पे पार्ट वी कॉस थीटा, वी कॉस कोई एंगल है थीटा वन है। ओके, तो आप इसका कोई भी पॉइंट उठा लो, ये 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 कोई भी पॉइंट, हर जगह इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना या क्षैतिज जो वेग होएगा ना वो हर जगह सेम ही रहेगा, वो वी कॉस थीटा वन, वी कॉस थीटा वन, वी कॉस थीटा वन ही रहेगा। या फिर अपने ये कह सकते हैं, अगर मानो इसकी इनिशियल स्पीड u थी और ये स्पीड u cos थीटा है हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज, तो चाहे ये पॉइंट ले लो, 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 हर जगह इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड u cos थीटा ही रहेगी। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन या गुरुत्वीय त्वरण इफेक्ट नहीं करता है। इसके बाद देखते हैं, नाउ लेट्स से नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, यानी कि जो हमारे पास समीकरण निकालने, किसके निकालनी है, पथ की, प्रक्षेप के पथ की समीकरण क्या होएगी वो अपने को पता लगानी है। तो इसमें देखो, अगर कोई पार्टिकल अपनों ने थ्रो किया है तो हमें पता है वो इस तरह से एक राउंडेड शेप लेके, एक कर्वी पाथ लेके अपना पथ कंप्लीट करेगा, अपना पाथ जो है कंप्लीट करेगा। लेकिन ये जो पाथ है, ये पथ है, ये है एक्चुअल में, क्या ये पैराबोला है, परवलय है, क्या ये अति परवलय है, क्या ये सर्कल सेमी सर्कल है, क्या ये अर्धवृत्त है, क्या चीज़ है, इसका पता लगाते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ये डायग्राम समझना पड़ेगा। डायग्राम में ये जितनी भी टर्म्स हैं वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, क्या चीज़ें हैं। हमने क्या किया है, ये जो मोशन है ना प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम पे एक बार अप्लाई किया है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वो हमारा ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है, जहाँ पे ये पथ पार्टिकल ने अपनी जर्नी कंप्लीट स्टार्ट की है। तो हमने ये माना कि इसकी स्टार्टिंग में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यू वेक्टर है। तो इसको अगर डीकम्पोज करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे इसका जो इफेक्ट है वो यू एक्स होएगा और वाई एक्सिस पे इसका इफेक्ट होएगा यू वाई। हमने ये मान लिया कि हमने जो पार्टिकल थ्रो किया है वो उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल यानी कि प्रक्षेप कोण कितना है, थीटा है। अब होगा क्या कि ये जो यू एक्स है ना, इसको हम नहीं लिख सकते हैं यू कॉस थीटा। आपको पता है अगर डीकम्पोज करोगे, इसको वियोजित करोगे,
तो एक पार्ट तो होता है cos थीटा, एक पार्ट होता है sin थीटा, और ये वाला पार्ट हो जाएगा u sin थीटा। इसके बाद थोड़े टाइम बाद मान लो पार्टिकल यहाँ आ गया और इसकी वेलोसिटी अब u तो रहेगी नहीं, v हो जाएगी, इसका वेग v बन जाएगा। तो v के भी अगर इसका पार्ट्स डिकम्पोज करें अपने, तो हॉरिजॉन्टल पार्ट तो इसका वी एक्स है और वर्टिकल पार्ट इसका वी वाई हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जो यू एक्स और वी एक्स है ना, ये सेम ही रहेंगे। यहाँ लिख दो कि जितना यू एक्स है उतना ही वी एक्स है, उतना ही यू कॉस थीटा है, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल मोशन है ना, क्षैतिज जो इसका गमन है उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इफेक्ट नहीं कर रहा, गुरुत्वीय त्वरण प्रभावित नहीं कर रहा, तो इसलिए तीनों वैल्यूज क्या रहेंगी, सेम ही रहेंगी। इसके बाद जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, उस केस में क्या होगा कि इसका जो वर्टिकल मोशन है ना वो रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए, वो स्टॉप हो जाएगा, यानी कि वी वाई जो है ना वो तो हो जाएगा इसका ज़ीरो, और जो टोटल वेलोसिटी इसकी रहेगी वी, वो ओनली हॉरिजॉन्टली रहेगी, यानी कि यू एक्स के इक्वल रहेगा ये। और यहाँ पे इसकी जो हाइट होती है इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, इसको कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। इसके बाद जब पार्टिकल वापस रिटर्न होएगा अर्थ के ऊपर या ग्राउंड के ऊपर, तो यहाँ पे चीज़ आता हूँ कि जो यू एक्स है और ये यू एक्स है ये तो सेम ही रहेंगे, और जिस वेलोसिटी से इसको थ्रो किया था ना यू वेक्टर से, उसी वेलोसिटी से ये वापस नीचे हिट होएगा, यानी कि ये यू वेक्टर और ये यू वेक्टर सेम रहेंगे, इनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, इनका परिणाम समान रहेगा, दिशा बदल जाएगी, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ है, बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। और मैग्नीट्यूड में बताया तो यू एक्स और यू एक्स तो सेम रहेंगे, वी वाई और वी वाई का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन बदल जाएगी, पहला जो यू वाई है वो ऊपर की तरफ है और इधर वाला जो यू वाई है वो नीचे की तरफ है, बाकी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा हर तरफ। तो ये हमारा डायग्राम है, इसके बाद में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, यानी कि जो पथ है उसका समीकरण। तो समीकरण का पथ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको तो पता ही, कोई भी जब इक्वेशन हम लिखते हैं या समीकरण लिखते हैं किसी भी कर्व की, तो उसमें एक्स तो होता ही है और साथ में वाई भी होता है। एक्स और वाई में अपने को रिलेशन निकालना है। एक्स क्या है यहाँ पे देख लेते हैं, एक्स हमारी एक तरीके से ये डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, और मैं फिलहाल इधर की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट की कोई भी आर्बिट्री पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं अपने, एक्स कॉमा वाई, ओके, और यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगा मान लेते हैं टी टाइम लगा, तो ये जो डिस्टेंस है ये तो होगी एक्स, और ये जो डिस्टेंस है ये होएगा वाई। अब मेन चीज ये है कि एक्स है तो एक तरीके डिस्टेंस दूरी, और दूरी या डिस्टेंस जो होता है या डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन जो भी है वो किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम के। अगर इस पर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो ये हो जाएगा किसके इक्वल, वेलोसिटी इनटू टाइम के, वेग और समय की जब गुणा कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, विस्थापन मिलता है। तो इधर यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो जाएगी यू एक्स, हॉरिजॉन्टल की बात करें यू एक्स इंटू टी, यानी कि वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लाई जो हमें क्या देता है, एक्स डिस्प्लेसमेंट देता है यानी कि एक्स विस्थापन देता है। और यू एक्स किसके इक्वल है, वी एक्स के इक्वल है, मैंने आपको बता दिया था, और वी एक्स किसके इक्वल है, यू कॉस थीटा के। तो ये तो हमारे पास आ गई एक्स की वैल्यू। अब देखते हैं वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर एक्स की डायरेक्शन में एक्स की वैल्यू जब निकाल रहे थे तो वो तो आई थी यू एक्स इंटू टी, और वाई की डायरेक्शन में जब वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी वी वाई इंटू टी, यानी कि वर्टिकल जो वेलोसिटी उसकी क्या है, वी वाई है। अब वी वाई की वैल्यू निकालने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाना है, ओके, वो क्या होता है, वी इक्वल्स टू, एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। अब इसमें देखते हैं बात चल रही है किसकी, वर्टिकल की। वर्टिकल में यू वाई आएगा, ओके, क्योंकि हॉरिजॉन्टली बात तो चल नहीं रही थी।
साथ में ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इफेक्ट करेगा, गुरुत्वीय त्वरण प्रभावित करेगा, क्योंकि मोशन कौन सा है, वर्टिकल मोशन है, ऊर्ध्वाधर है। और ये माइनस क्यों है, क्योंकि अगर पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो ग्रेविटेशन इफेक्ट किस तरफ कर रहा है, नीचे की तरफ कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, यानी ये अपोज करेगा, यानी विरोध करेगा। इसके बाद आपको पता है ये जो वी वाई होता है, यहाँ पे उन्होंने लिख रखा है, ये वी वाई किसके इक्वल होता है, यू साइन थीटा के। वी वाई होता है इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में, और ये हो जाएगा यू साइन थीटा के। बाकी सारे टर्म्स एज इट इज हैं। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, बट हमें तो इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से t की वैल्यू को उठा के कहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे, t को सब्जेक्ट मानते हैं, t का सब्जेक्ट बनाएंगे तो x अपॉन में u cos थीटा आ जाएगा, x u cos थीटा जहाँ जहाँ t दिख रहा है वहाँ पर प्लेस कर दिया, तो हमारे पास ये इस तरीके से सिंप्लीफाइड हो गया, ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा, और x साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन होता है, बाकी ये टर्म्स एज इट इज है। इस इक्वेशन में आपको एक चीज़ दिख रही होगी x स्क्वायर, और यहाँ दिख रहा आपको y। आप ये सोचो, इलेवंथ क्लास में जो चैप्टर था मैथ्स के अंदर पैराबोला परवलय, उसकी समीकरण भी कुछ ऐसी होती थी, जैसे x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay, ऐसी इक्वेशन होती थी। यानी कि ये इक्वेशन इस इक्वेशन की फॉर्म में है, यानी कि एक वेरिएबल पे तो स्केयर है और एक वेरिएबल पे स्केयर नहीं है, तो इससे ये पता चलता है कि ये जो पाथ है ना इसका, या पथ जो है इसका, वो एक पैराबोला है, एक परवलय है, इट इज़ ए पैराबोला। ओके, तो इसका मतलब ये परवलयकार इक्वेशन है, यानी कि पैराबोलिक इक्वेशन है, जो ये बताता है कि जो पार्टिकल का जो प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी है वो कौन सा पाथ फॉलो करता है, पैराबोलिक। सो लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक, प्रक्षेप का उड्डयन काल, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइंग या टाइम ऑफ फ्लाइट में एक ही चीज़ होती है, ध्यान रखना, फ्लाइट और फ्लाइंग में कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें क्या है कि अगर हमारा पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसको कितना टाइम लग रहा है वो अपने को फाइंड करना है यहाँ पे। तो हम इसको वही दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो एसेंट टाइम और एक डिसेंट टाइम, यानी नीचे से ऊपर तक जाने में लगा एसेंट टाइम और ऊपर से नीचे तक आने में लगा डिसेंट टाइम। इसमें देखो मोशन जो है ना वो हम हॉरिजॉन्टल काउंट नहीं करेंगे, हम इसमें वर्टिकल मोशन ही काउंट करेंगे, क्योंकि दोनों सेम ही है। जितना टाइम हॉरिजॉन्टल का पाथ कवर करने में लगा पार्टिकल को, उतना ही टाइम वर्टिकल पाथ को कवर करने में लगा है। तो टी जो है ना आपको वर्टिकल पाथ से मिलेगा। ओके, तो पहले हम हाफ टाइम की बात करते हैं, यानी कि एसेंट टाइम की, यानी नीचे से ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगा है। तो नीचे से ऊपर तक जाने में टाइम मान लो टी लगा है, तो अपने क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे इसमें मोशन की, यू इक्वस्ट वी इक्वस टू यू प्लस ए टी, बट यहाँ पे प्लस ए की जगह माइनस टी लेना है, क्योंकि मोशन कहाँ है, नीचे से ऊपर की तरफ है। इसके बाद अगर यहाँ से देखा जाए तो जब पार्टिकल बिल्कुल ऊपर पहुँच जाएगा तो इसका ये v क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ से जैसे t को सब्जेक्ट ना हो गए तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यू वाई ओवर जी, और यू वाई कितना होता है, यू साइन थीटा होता है, यानी कि यू वाई का y एक्सिस पे जो डीकम्पोजिशन करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आती है, यू साइन थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा यू साइन थीटा ओवर जी। अब टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, डबल कर देंगे टाइम का, क्योंकि जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगा है उतना टाइम ऊपर से नीचे आने में लगा है, तो इसका डबल क्या हो जाएगा, टू यू साइन थीटा ओवर जी। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसके बाद देखते हैं मैक्सिमम हाइट, जो पार्टिकल है उसका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें मैक्सिमम हाइट कितनी लेगा वो, इसका पता लगाना है। तो अपने क्या करेंगे, अपने इसमें थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या आती है, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस टू जी एच। और आपको पता है जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर पहुँचेगा तो उसका v क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू वाई का होल स्क्वायर ओवर डिवाइडेड बाय टू जी। अब यू वाई कितना होता है, u साइन थीटा होता है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टू जी हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ये होगी हमारे पास मैक्सिमम हाइट। लेट्स सी नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं प्रास रेंज। रेंज का मतलब ये होता है कि पार्टिकल कितनी दूर तक गया है, हॉरिजॉन्टली कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस लिया इसने। तो उसके लिए क्या करते हैं,
हम हॉरिजॉन्टल में, आपको पता ही है हॉरिजॉन्टल में स्पीड क्या होती है, ux होती है। अगर ux को टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि उड्डयन काल से मल्टीप्लाई कर दें, जिसको हम कैपिटल टी से नोट करते हैं, अगर इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगी रेंज। तो t की वैल्यू अपने निकाली थी, कितनी निकाली थी, 2u sin theta ओवर g। तो 2u sin theta ओवर g को जब यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको पता ही है u into u क्या हो जाएगा, u square। 2 sin theta cos theta एक आइडेंटिटी होती है जो हो जाएगी sin 2 theta, और g as t है तो u square sin 2 theta ओवर g से अपने को क्या मिल जाएगा, रेंज मिल जाएगी, परास मिल जाएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि किस एंगल से फेंका जाए कि हमें मैक्सिमम रेंज मिले। तो मैक्सिमम वैल्यू तभी मिल सकती है जब ये क्या हो, 1, और ये 1 तभी हो सकता है जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ जब 45 रखोगे तो 2 × 45 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और साइन 90 की मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइन 90 पे हमें साइन की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है जो कि होती है 1। तो ये मैक्सिमम कब मिलेगा, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 45। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर हमें बहुत दूर तक अपना टारगेट लेना है तो हम क्या करते हैं, 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। नेक्स्ट है कि अगर हम पहले से किसी हाइट पे पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल फेंक दें, जैसे कि मान लो ये बिल्डिंग है और पार्टिकल को ऊपर की तरफ ना फेंक के ऐसे फेंक दें हॉरिजॉन्टल इस तरफ, तो आपको पता ही है उसका मोशन कैसे होएगा, इस तरीके से होएगा, यानी कि होगा तो पैराबोलिक ही, बट पाथ क्या हो जाएगा उसका, हाफ हो जाएगा एक तरीके से, आधा पथ हो जाएगा। तो उस केस में तीनों वैल्यूज बार वन बाय वन निकालते हैं, एक तो इक्वेशन क्या बनेगी और मैक्सिमम हाइट क्या रहेगी और मैक्सिमम और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा, सारा वन बाय वन देखते हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है इसमें कि अगर आप इसको इस तरीके से फेंक रहे हैं तो इधर का एंगल आपका क्या बन रहा है, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट। सपोज करो ये ग्रीन कलर की लाइन क्या, हॉरिजॉन्टल है, और डायरेक्शन भी यही है, जिस डायरेक्शन में आपने पार्टिकल को थ्रो किया है, फेंका है, वो डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सेम ही है। तो अपने ये कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या होएगी, 0 होएगी, क्योंकि थीटा एंगल कौन सा होता था, यू और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल होता था, एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस, तो ये हमारे पास 0 है। तो अब हमारे पास जो वाई की इक्वेशन थी उसको देख लेते हैं। ओके, कोई बात, मैं यहाँ लिखता हूँ, वाई इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जी ओवर टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट था हमारे पास, यहाँ पे प्लस नहीं था, इक्वल नहीं था। ओके, अब यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू क्या रख रहे हो, 45 रख रहे हो। यहाँ पे जैसे आप 45 रखोगे तो कोस 45 कितना होता है, कोस 45 होता है 1/√2। 1/√2 से क्या होगा, ये एक्चुअल में यहाँ पे 2 नहीं आएगा, इक्वेशन क्वेश्चन चलो पीछे पेज पे रह गई है, मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। एक्चुअल में क्या होता है कि जो थीटा एंगल है उसकी जगह आपको क्या रखना है, 0 रखना है। 0 रखोगे तो टेन तो हो जाएगा 0, यानी कि ये पार्ट तो आएगा नहीं, और जो बच जाएगी वाई की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर जी ओवर टू यू स्क्वायर। अब आते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट पे या उड्डयन काल पे। उड्डयन काल में क्या होगा, उड्डयन काल को उन्होंने निकाला था यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट, ये रहा 2u sin थीटा ओवर g। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, एक मिस्टेक कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू यहाँ रख देंगे 0, ये सारा 0 हो जाएगा, आंसर 0 निकाल के आ जाएंगे। ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, अगर अपने पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल फेंका है तो कुछ ना कुछ तो टाइम लेगा वो। तो टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना है, टाइम निकालने के लिए आपको यहाँ पे लगानी है कौन सी इक्वेशन, आपको लगानी है यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन, वो लिख देते हैं। ये नहीं दिया उन्होंने, ठीक है।
अब ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन कब लगता था, जब अपने वर्टिकल मोशन की बात करते थे, यानी ऊर्ध्वाधर मोशन की बात करते थे। अब इस ऊर्ध्वाधर मोशन में आपको पता है ये तो जीरो ही है, क्योंकि वर्टिकल जो अपने अगर पार्टिकल को इस तरफ फेंका हॉरिजॉन्टली तो वर्टिकली मोशन तो है नहीं उसमें, इट मीन्स वी यू वाई इसका क्या जीरो है। और अब पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के उसके लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से जब आप टी की वैल्यू निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, 2h, ये 2h से इंटू हो जाएगा, g डिवाइड में आ जाएगा और स्केयर के कारण इस पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। ओके, तो ये हो गया हमारा टाइम जिस टाइम में वो पार्टिकल ग्राउंड पे हिट होएगा। इसके बाद रेंज, रेंज कैसे निकालते थे, रेंज में क्या करते थे, यू एक्स विस इंटू कराते थे टोटल टाइम से या टाइम ऑफ फ्लाइट से या उड्डयन काल से। यू एक्स तो यहाँ पे क्या है, यू कॉस थीटा है, आपको पता ही है। और टी आपने यहाँ पे निकाल रखा है 2h/g। तो यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू मैंने आपको क्या क्या 90 डिग्री रखनी है, जीरो रखना है। थीटा अगर जीरो होगा तो ये कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा, यू रूट 2h/g, ये हमारे पास आ गई रेंज। अब हमें निकालना है किसी टाइम टी पर, यानी कि जब पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा उस टाइम पर वेलोसिटी क्या होएगी। कोई बात नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, दो पार्ट कर देते हैं, एक तो कर देते हैं वी एक्स और एक कर देते हैं वी वाई, इनको वन बाय वन निकालते हैं। देखो वी एक्स तो वही है जितना यू एक्स है और जितना यू कॉस थीटा है, इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। ये तो आपका हो गया यू कॉस थीटा। वी वाई में क्या है, एक्सीलरेशन है, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के अंडर में मोशन है। तो यहाँ पर मैं वी वाई की जो वैल्यू रखूँगा तो बन जाएगा यू वाई प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ऑलराइट, अब वी वाई यहाँ पे कितना है, जीरो है, क्योंकि वर्टिकल जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसमें वर्टिकल कुछ भी नहीं था, हॉरिजॉन्टल मोशन था। तो वर्टिकल मोशन यहाँ पे जीरो है, बचा गया हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये हमारे पास आ गया एक तरीके से वी वाई। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ रहा है तो ये तो है हमारा वी एक्स और ये हमारा है वी वाई। आपको पता है अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, दो सदिश हैं और उनका रिजल्ट निकालना है तो हम क्या करते हैं, हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं और उस रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, वही क्या होता है, हमारे लिए रिजल्ट होता है। अब अगर ये वी वाई है तो आपको पता है ये भी क्या होगा, वी वाई होगा। ये यू एक्स वी एक्स है, वी वाई है, तो ये कैसे मिलेगा आपको, ये मिलेगा पीजीटी थ्योरम से। पीजीटी थ्योरम से आपको क्या मिल जाएगा, वी इक्वल्स टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर। वी एक्स की वैल्यू मैंने फाइंड कर रखी है यू कॉस थीटा, दैट इज यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। और वी वाई की वैल्यू उन्होंने क्या फाइंड की थी, हाफ जी टी स्क्वेयर, हाफ जी टी स्क्वेयर। और इसका आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वेयर है। तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू आपको क्या रखनी है, जीरो रखनी है क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन है। थीटा अगर जीरो रखेंगे तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा यू स्क्वेयर ओनली, इसके बाद 1/2 का स्क्वेयर 4 हो जाएगा, जी का स्क्वेयर जी स्क्वेयर और टी की पावर यहाँ पर आ जाएगी 4। तो ये हमारे पास आ गई रिजल्टेंट वेलोसिटी यानी कि परिणामी वेग। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमने एंगल एट टाइम टी। एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, एंगल निकालने के लिए मान लो ये पाथ है उसका, ओके, यहाँ पे किसी टाइम पर अगर हम उसका एंगल चेक करना चाहते हैं तो एक तो वेलोसिटी वी और एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल है बीटा, इसको बीटा मान लेते हैं, ये अपने को फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, टेन थीटा। टेन बीटा क्या होता है, टेन बीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि लंब बटे आधार। अब परपेंडिकुलर इस केस में क्या है, परपेंडिकुलर इस केस में वी वाई और बेस यहाँ पे क्या है,
बेस यहाँ पे है वी एक्स, तो वी वाई को वी एक्स से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन बीटा आ जाएगा। वी वाई की वैल्यू उन्होंने क्या निकाली थी, जी टी, और वी एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी उन्होंने, यू। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया जी टी ओवर यू। लास्ट टॉपिक देख लेते हैं इसमें, नत तल पर फेंका गया प्रक्षेप, यानी कि प्रोजेक्टाइल थ्रोन ऑन एन इनक्लाइंड प्लेन। ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है, आपको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा इसको। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, ये डायग्राम है इसका, इसमें क्या है, पार्टिकल को उसी वेलोसिटी से फेंका यू वेलोसिटी से, बट ये जो ग्राउंड है ना ये इधर की तरफ नहीं है, ये जो ग्राउंड है ना इसका पहले से कोई एंगल है थीटा नोट। अब पार्टिकल है ना प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री लेता हुआ, यानी कि अपना जो प्रोजेक्टाइल है प्रक्षेप पथ लेता हुआ इस पॉइंट पी पे आके रुक जाएगा, यानी वो आगे नहीं जा सकता है क्योंकि ग्राउंड हमारा है रेड कलर का है। तो इस केस में हमें क्या निकालनी है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है और रेंज निकालनी है। रेंज भी दो निकालनी है कि हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है और इस ग्राउंड के अलोंग रेंज कितनी है, ये दोनों अपने फाइंड करेंगे। तो पहले तो अपने निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट में आपको पता ही है हमने जो फॉर्मूला पहले निकाला था टाइम ऑफ फ्लाइट का या उड़ियन काल का, वो था 2u साइन थीटा ओवर जी। अब थोड़े चेंजेस आ गए, एक्चुअल में एंगल थीटा नहीं है, अब आपको एंगल लेना पड़ेगा थीटा माइनस थीटा नॉट। रीज़न क्या है, थीटा एंगल जो था ना वो था इनिशियल वेलोसिटी या आरंभिक वेग का ग्राउंड के साथ एंगल, बट ग्राउंड तो ऑलरेडी क्या एंगल बना रहा है, थीटा नॉट बना रहा है। तो अब अपने को यू और ग्राउंड के बीच का जो एंगल है वो अगर आप इसमें देखो तो आउट ऑफ थीटा, थीटा नॉट आपको कैंसिल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे थीटा माइनस थीटा नॉट आ जाएगा। तो इस बार ये थीटा आपको किससे रिप्लेस करना है, थीटा माइनस थीटा नॉट से। तो यहाँ पर आ गया थीटा माइनस थीटा नॉट। अब अगर हम ये माने कि पूरा का पूरा सिस्टम थीटा नॉट एंगल बना रहा है, तो हमारे अकॉर्डिंग तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यानी कि गुरुत्वीय त्वरण इस तरफ होना चाहिए, बट आपको पता ही है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहाँ लगता है, नीचे की तरफ लगता है, इस तरफ लगता है। तो अगर ये मान लो जी है तो इधर वाला जो कॉम्पोनेंट है जी के इस तरफ वाला वो हो जाएगा जी कोस थीटा नॉट। ये कैसा आया, अगर ये एंगल थीटा नॉट है तो ये भी एंगल कितना होएगा, थीटा नॉट होएगा। ओके, तो ये थीटा नॉट एंगल है, तो इसका डीकम्पोज करेंगे तो बेस वाला पार्ट इसका क्या हो जाएगा, जी कोस थीटा नॉट। तो यहाँ पर जी के प्लेस में क्या आएगा, जी कोस थीटा नॉट आ जाएगा। अब अपने निकालते हैं रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज ओ क्यू। हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को किससे इंटू करा देंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट से। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो देखो वही रहेगी यू कोस थीटा, वो नहीं बदलने वाली क्योंकि वो तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से अनइफेक्टेड है। ये यू कोस थीटा ऐसे ऐसे क्या ऐसी है, इसको किससे इंटू करा देंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट जो उन्होंने अब निकाला है। तो जैसे इस टी की वैल्यू को आप यहाँ रखोगे तो आपको मिल जाएगा ओ क्यू, यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि क्षैतिज प्रास। अब रेंज निकालते हैं ओपी जो ग्राउंड के अलोंग है, ग्राउंड के अलोंग रेंज क्या रहेगी, यानी कि ओपी कैसे निकलेगा। ओपी निकालने के लिए आपको ये कंसिडर करना है यहाँ पे कि ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, इसमें चलो ओ क्यू तो आपने निकाल ही लिया, ओपी निकालना है। तो अपने ये कह सकते हैं कि ओपी का यहाँ पे जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, ओपी कोस थीटा होता है। लेकिन अगर उल्टा बोलें ओ क्यू का ओपी पे इफेक्ट है तो कोस थीटा का इनवर्स क्या होता है, सेक थीटा। तो अपने ये कह सकते हैं कि रेंज जो ओपी है ना वो किसके इक्वल होएगा, ओ क्यू सेक थीटा नॉट के। तो आपको पता ही है ओ क्यू की वैल्यू कहाँ से पिक करोगे, इधर से, और सेक थीटा को आप क्या लिख दोगे, वन ओवर कोस थीटा नॉट। तो ये दोनों वैल्यू जब आप रखोगे तो आपको रेंज मिल जाएगी, प्रास मिल जाएगा अलोंग ग्राउंड यानी ग्राउंड के अनुदिश। इसके बाद इसमें एक और रिजल्ट है इम्पोर्टेंट कि मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम रेंज कब होती है, जब एंगल क्या होता है 45 डिग्री। लेकिन अगर ग्राउंड ऑलरेडी थीटा नॉट एंगल पे इंक्लाइंड है, झुका हुआ है, उस केस में आपको जो मैक्सिमम रेंज मिलेगी ना उसके लिए आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री प्लस थीटा नॉट डिवाइडेड बाय 2। आपको ये एंगल पिक करना है यहाँ पे, जैसे ही एंगल आप यहाँ पे पुट करोगे
आपको मिल जाएगी मैक्सिमम रेंज अलोंग ग्राउंड। तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन ख़त्म होता है। अभी तक हमने जितने भी मोशन यहाँ देखे हैं वो सारे के सारे क्या थे, यूनिफॉर्म फील्ड में थे, यानी कि समान क्षेत्र में थे। इसके बाद वाली क्लास में अपने असमान क्षेत्र यानी कि अनयूनिफॉर्म फील्ड देखेंगे, उसके अंडर मोशन कैसे रहते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आप सब अपने नोट्स बना लेना, इसके बाद कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें मैसेज या कमेंट कर सकते हैं, और जो भी वीडियोज़ हैं उसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।